हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। शेर भले ही कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो दहाड़ता है तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। यूपी में गठबंधन बनते वक्त बुआ और बबुआ ने कांग्रेस को घास नहीं डाली तो माद में सोया बूढ़ा शेर जाग उठा। हनुमान की तरह उसे शायद अपने अंदर की ताकत का एहसास हुआ और मोदी योगी के मुकाबले प्रियंका रूपी ट्रंप कार्ड चल दिया। यूपी फतेह के लिए उसने खास फॉर्मूला तैयार किया है। यूं तो वो प्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसने खास तौर से 30 सीटें चिन्हित कर ली हैं जहां पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। यूपी फतेह के लिए कांग्रेस का मिशन 30। चुनाव में इन 30 सीटों पर रहेगा खास फोकस। पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी इन सीटों पर चुनाव। मोदी योगी का तिलस्म तोड़ पाएंगी प्रियंका? लोकप्रियता को वोट में करा पाएंगी कैश या सिर्फ डाल पाएंगी मनोवैज्ञानिक असर? यूपी में बीजेपी और एसपी बीएसपी गठबंधन के सामने खुद को साबित करने के लिए कांग्रेस ने मिशन 30 का फॉर्मूला तैयार किया है। मिशन 30 यानी वो सीटें जहां कांग्रेस को 2014 के चुनाव में 1 लाख से ज्यादा या फिर उसके करीब वोट मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिन 21 सीटों पर जीत मिली थी वो सभी मिशन 30 में आती हैं। हालांकि पार्टी के लिए ये कदम जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां अगर सभी दलों के बीच बीजेपी विरोधी सेक्युलर वोटों का बंटवारा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मसलन साल 2014 में सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद 4 लाख वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार को यहां 4.77 लाख वोट से जीत मिली थी। हालांकि बीएसपी और एसपी को सिर्फ 3 लाख वोट मिले थे। ऐसे में अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। 2009 के चुनाव का अगर आप आकलन करें तो उसने कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, जो अपने आप में उस समय आश्चर्य लग रहा था कि 21 सीटें कांग्रेस ने। बहराइच से इंदिरा जी का जो कमांडो था वो जीत गया था, जबकि वहां जातिगत आधार पर उसका कोई वो मुस्लिम नहीं था, वहां मुस्लिमों की अच्छी संख्या है, लेकिन मुस्लिमों ने वोट दिया। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि मुस्लिम के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट की स्थिति होगी और वो राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस उसकी पहली प्रायोरिटी होगी, लेकिन शर्त यह भी होगी कि उसमें वो कांग्रेस प्रत्याशी कितना मजबूत से लड़ रहा है। अगर वो कमजोर होगा तब तो वो गठबंधन को मुस्लिम वोट जाएगा, तब तो फिर नहीं जाएगा, लेकिन अदरवाइज वो कांग्रेस उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। जो 30 की बात है वो बिल्कुल सही है। तो राहुल गांधी जब थे तो उन्होंने ही नाको चना चबवा दिया था भाजपा को, मोदी सरकार को, और उसके बाद प्रियंका भी आ गई तो प्रियंका ने तो बिल्कुल आखिर कील ठोंक दी आकर के, और ये इनके ताबूत की आखिर कील साबित होंगी। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक। जानकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने का पूर्वी यूपी की 30 सीटों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका पहले से पर्दे के पीछे से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाएंगी, इसकी संभावना बेहद कम है। जानकारों की माने तो प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने का सबसे ज्यादा नुकसान एसपी बीएसपी गठबंधन को होगा। इसके अलावा प्रियंका के आने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान बहुत से युवा और मुसलमान कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रियंका के आने का सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और इसका कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को नहीं होने जा रहा। प्रियंका के आने से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हो सकते हैं, इससे और दम तोड़ रही कांग्रेस पार्टी को नई संजीवनी मिल सकती है। गांधी के आने से कांग्रेस को एक बल तो मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो उनको कमान सौंपी गई है, मुझे लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बनारस से हैं
और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी गोरखपुर के हैं, जो भी मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा वो एक सेकंड चीज है, लेकिन पहली प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश के दो, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इनको घेरने की मजबूत रणनीति के तहत ही मुझे लगता है कि प्रियंका जी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पिछले आंकड़े से आप जोड़ करके कह रहे हैं कि वहाँ थोड़ा टफ है, हालात बदलते रहते हैं। जो ये असेंबली के चुनाव नहीं है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, और पार्लियामेंट में लोग मोदी को देख रहे हैं। जो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं वो मोदी को देख रहे हैं कि मोदी को कौन हटाएगा, और मोदी को हटाने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस को सत्तारूढ़ करेगी। लेकिन राजनीति सिर्फ कागज पर बनी संभावनाओं से नहीं लड़ी जाती है, यहाँ समीकरण बनते, बिगड़ते और बदलते देर नहीं लग, और वो भी तब जबकि कांग्रेस ने राजनीति के अखाड़े में ट्रंप कार्ड के तौर पर प्रियंका रूपी ब्रह्मास्त्र चल दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक मोदी योगी की जोड़ी और एसपी बीएसपी के गठबंधन के बीच प्रियंका गांधी का करिश्मा दिखा पाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, लेकिन राहुल को प्रियंका की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अब देखना है कि प्रियंका देश की सबसे बूढ़ी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करने में कितनी कामयाब हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।